I am Dr. Krishna Naik, Assistant Professor of Medicine in Fever Hospital. ये आजकल जो बुखार और ये कोरोना वायरस के बारे में सब डर रहे हैं उसके बारे में इतना टेंशन लेना ज़रूरत नहीं। और दूसरा क्या है, आप कोई छोटा मोटा केयर ले लिए तो वो पूरा प्रिवेंट करने का चांसेस ज़्यादा रहता। मेन प्रॉब्लम्स क्या है, आपको घर में और बाहर जाओ वो हैंड वॉशिंग सिस्टम और वो साबुन से बोले तो डेटॉल से हैंड वॉशिंग अच्छी तरह से करना पड़ता। कोई आजू बाजू वाले छींक रहे खांस रहे तो थोड़ा दूर रहना। और दूसरा क्या है, अब क्राउड ज़्यादा रहता ना वो, और ईद और दूसरा कोई मॉल्स जाना और क्या मैरिजेस और कोई जातरा वो पूरा बंद कर लिए तो अच्छा रहता, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरा क्राउड में स्प्रेड होने का चांसेस है। और ये वेदर भी थोड़ा ठंडा है ना, उसके बारे में ये कोरोना वायरस बोले तो पूरा सिम्टम्स पूरा जस्ट लाइक फ्लू जैसा रहता, कॉमन कोल्ड जैसा, सर्दी रहता, खांसी और बुखार भी रहता, कोई थोड़ा हेडेक भी रहने का चांसेस है। तो उनको क्या करना, तो हर एक लोग हैंड कर्चिफ यूज़ करे तो अच्छा रहता, खांसी के टाइम में कोई कपड़ा रखे खांसे तो अच्छा रहता। दूसरा क्या है, मास्क रखे तो भी बहुत अच्छा रहता। और एंड कोई सिम्टम्स है बोले तो जब का जब हॉस्पिटल आके बता लेना पड़ता। हमारे पास फीवर हॉस्पिटल में हम तीन डॉक्टर्स का टीम है, माई सेल्फ एंड अनदर टू डॉक्टर्स आर वर्किंग हियर फॉर द करोना वायरस। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस फ्लू एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द फ्लू। तो कोई सिम्टम्स है तो जब का जब हॉस्पिटल आके टेस्ट करा लेना। हम इधर पूरा टेस्ट करके एडमिट करके पूरा, ऐसा कोई सिम्टम्स है तो आइसोलेट करके पूरा वो सोसाइटी में स्प्रेड करना पूरा बंद करने का चांसेस रहता। और दूसरा क्या है, मेन प्रॉब्लम है बच्चों का स्कूल्स में, आपको बच्चों का वो स्कूल अथॉरिटीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर रहने दो, गवर्नमेंट सेक्टर रहने दो, स्कूल्स का हेडमास्टर्स रहने दो, स्कूल्स अथॉरिटीज़ वो ज़रूर वो हैंड वॉशिंग सिस्टम के बारे में वो वॉश बेसिन के वो सेवलान और कोई साबुन वगैरह रखे पूरा साफ़ करे तो अच्छा रहता। स्नैक्स के टाइम में ज़रूर हैंड वॉशिंग विद दिस सेवलान और डेटॉल अलॉन्ग विद द इवन लंच टाइम में भी ऐसा ही करना ज़रूर। लेकिन तो वो बच्चे खांसते रहते, बच्चों को पता नहीं वो कैसे टेक करना, वो कैसे प्रिवेंट कर लेना वो पता नहीं रहता। इसलिए कोई बच्चा कोई सिख है तो घर में रख लो, कोई ऑफिस जाने वाले भी सिख है तो घर में रहे तो दो तीन दिन में वो कम हो जाता। सो फाइनली मैं ये तो एक हैदराबाद एंड ये तेलंगाना पीपल को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोगों को पहले खाने के पहले और स्नैक्स रहने दो, फूड रहने दो, क्या भी रहने दो, एक हैंड वॉशिंग तो ज़रूर करने का है, वो बात याद रखो। दूसरी क्या है, कोई ज़्यादा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बोले तो मार्केट के जगह लेकिन ज़्यादा वगैरह कोई है तो थोड़ा अवॉइड करे तो अच्छा रहता। और तीसरी बात क्या है, कोई शेक हैंड दे है तो शेक हैंड न खोलो, कोई नमस्कार बोल दो, शेक हैंड नहीं देना, क्योंकि ये फ्लू जो है वो हैंड बोले तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोले तो ये हैंड टचिंग से भी आता, कोई खांसे छींके तो भी आने का चांसेस ज़्यादा रहता, तो शेक हैंड अवॉइड कर दो। सो और क्या है, इतना टेंशन तो ज़्यादा नहीं है। इसका मॉर्टेलिटी बोले तो यूजुअली स्पाइन फ्लू के बारे में समझो, आपको 100 मेंबर्स को आए हो अराउंड 16-17 मेंबर्स डेथ रेट ज़्यादा रहता है स्पाइन फ्लू में। वेराज ये कोरोना वायरस में इतना टेंशन नहीं है, 100 मेंबर्स को समझो अटैक है समझो कम से कम जस्ट 2-3% का डेथ रेट रहता। सो ये वायरस के बारे में मेन प्रॉब्लम क्या है, स्प्रेडिंग बंद कर देना और डरना ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। कोई सिम्टम्स है बोले तो आपको जब वो गवर्नमेंट वाले हमारे डॉक्टर अथॉरिटीज़ को आपको इन्फॉर्म कर दिया तो अच्छा रहता। थैंक यू।